हेलो गाइस, पीएसजी के हमारे यूट्यूब चैनल का और एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, पोको ने रिसेंटली पोको X5 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया और आज गाइस मेरे हाथ में गाइस देख सकते हो पोको X5 5G और अनबॉक्सिंग वीडियो और फ्री फायर गेमिंग रिव्यू तो मैं पहले ही कर दिया था, लेकिन गाइस फिर से मैं अनबॉक्सिंग वीडियो को दे रहा हूँ, सो अनबॉक्सिंग वीडियो को आप सब लोग देख लेना। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर फ्री फायर मैक्स गेम का फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड 4v4 और फुल मैप मैच 4v4 का गेमिंग रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस चलो देखते हैं क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच के अंदर या फुल मैप मैच के अंदर फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर इस स्मार्टफोन के मदद से गेम को खेलने के बाद कुछ भी लैगिंग हीटिंग इशू देखने के लिए मिलता है क्या नहीं, उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस और सेंसिटिविटी के बारे में भी आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। सो गाइस चलो सबसे पहले क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच का कुछ गेम प्ले देख लेते हैं। लेकिन गाइस गेम प्ले को देखने से पहले यहां पर ग्राफिक्स को मैं दिखा देता हूं। सो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहां पर सेंसिटिविटी गाइस जनरल को मैं 100 कर देता हूं और रेड डॉट को मैं 85 के बीच में छोड़ देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस ग्राफिक्स यहाँ पर देख सकते हो फुल मैक्स ग्राफिक्स, उसके साथ हाई पीएस शैडो सब कुछ गाइस मैं यहाँ पर पूरा हाई कर दिया। अभी गाइस पहले क्लैश स्क्वाड मैच का कुछ गेम प्ले देखते हैं फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर। सो गाइस चलो गेम प्ले को एंजॉय करते रहो। अरे भाई नॉक मत हो ना, तीन तीन एनिमी है, थोड़ा सा वेट करके। लेकिन तुम तो अरे भाई एक को डाउन कर दिया, एक को डाउन कर दिया। हाँ तुम उड़ी जाओ, मैं दूसरे बंदे को देख रहा हूँ, तुम रिवाइव कर लो खुद को भाई, तो रिवाइव दूसरे बंदे को भी मारने का कोशिश करते हो, पीछे से थोड़ा सा बैकअप देना, ठीक है। दोनों बंदे को मार दिया, दूसरा बंदा भी यहाँ पर है भाई, खोपड़ी खोल दिया भाई। एक बंदा मेरे सामने है, एक बंदा डाउन है। गुड जॉब भाई। और दो एनिमी है मेरे लिए छोड़ देना, मेरे सामने एक आ गया है, इसको मारने का कोशिश करते हो, पीछे से बैकअप देना कोई भाई। इसको तो भाई USP से हेड मार दिया, लास्ट नहीं ऊपर है, कोई नहीं मारना, ठीक है। मेरा 3 किल हो जाएगा, कोई नहीं मारना इसको भाई साहब, बहुत बड़ी तरीके से मार दिया भाई। लोग डिजर्ट से वॉन्टेड मारने वाली मेरे सामने आ गया है, तुम लोग पीछे ध्यान रखना, ठीक है। पीछे तीन तीन बंदा है मेरे सामने, डेजर्ट वाला वॉन्टेड बंदे आ गया, मैं इसको मारने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तुम लोग उधर देखना भाई, नॉक क्यों होते हो। एक एनिमी डाउन है भाई, एक एनिमी डाउन है, वॉन्टेड वाली डाउन हो गया, सामने से और एक एनिमी आ गया, इसको भी मैं मार देता हूँ, ठीक है। तुम लोग उधर देखना, उधर दो एनिमी है, मैंने यहाँ पर दोनों को मार दिया, एक को देखो मार दिया, ख़त्म भी कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। और एक एनिमी को डाउन कर दिया उधर, गुड जॉब गुड जॉब। मैं इधर देखता हूँ और एक एनिमी आ गए, लास्ट एनिमी छोड़ देना, मैं मार दिया भाई, लास्ट राउंड है। तुम लोग सारे बंदे को मार मत देना, मेरे लिए भी थोड़ा सा इधर उधर बंदा छोड़ देना, दो तीन की तो करना पड़ेगा लास्ट राउंड के अंदर। सामने मेरा एक एनिमी है भाई, एक को ओनली रेड मार दिया, सामने और एक एनिमी आ रहा है, इसको भी छोड़ देना, कोई ना मत मारना, ठीक है। दोनों को यहाँ पर मार दिया, डेड डॉट से डेड डॉट भाई, ऐसा मेडी मेडी मार देते हैं। लास्ट एनिमी ऊपर है, ऊपर है, इसको भी मैं मारूंगा, कोई जाके मार मत देना, अगर 3 किल हो जाएगा चलो डेड डॉट। चलो सो गाइस मैं तो यहाँ पर क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच का गेम प्ले वो भी मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर दिखा दिया। अभी गाइस एक फुल मैप मैच का 4v4 गेम प्ले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर देख लेते हैं। भाई लोग यहाँ पर दो स्क्वाड आया है, ठीक है, एक साइड पे खेलना, ठीक है, अंदर कोई मत जाना, मैप के अंदर कोई मत जाना, थोड़ा सा साइड पर खेलना, पहले एक स्क्वाड को ख़त्म होना है तो फिर रश कर देना, ठीक है। मेरे सामने एक बंदा है, एक बंदा है, एक एनिमी मेरे सामने है, आ जाओ, इसको मारना पड़ेगा, ले इसको तो M10 से मार दिया, एक एनिमी को यहाँ पर मैं डाउन कर दिया, मेरे पीछे वेट कर, मेरे को रिवाइव देना अगर नॉक हो गया तो। सामने तीन तीन एनिमी, एक डाउन है, तीन टिकट देता हो जाएगा, एक तो फिनिश हो गया, दूसरा दूसरा भी डाउन है यहाँ पर, लास्ट ऑर्डर की नहीं है, रश कर रश कर, मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा, रश कर, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, इसको मार दिया तो पूरा स्क्वाड ख़त्म हो जाएगा। सामने बैठा है भाई, चार चार एनिमी है यहाँ पर है, फुल स्क्वाड है, मैं को रहने का ट्राई करता हूँ, पीछे रहना, थोड़ा सा वेट कर, तेरे पास वॉल नहीं है तो मेरे साथ आ जा, मेरे वॉल के पीछे आ जा, मेरे वॉल के पीछे, एक को डाउन कर दिया, दूसरे को भी डाउन करने की कोशिश करता हूँ, दूसरा भी डाउन हो गया। अभी ऊपर दो एनिमी, अरे हट जा, तेरे ऊपर ही वॉल गिर गया भाई, एक को और डाउन कर दिया हेड मार के, लास्ट एनिमी बचा है भाई, इसको भी हेड मार के उड़ा दिया। अबे तू कैसे नॉक हो गया, तेरे को तो भला था ना, वॉल पैक करके हील कर, सुना नहीं, मेरे सामने एनिमी है, अरे वॉल तोड़ के मारूंगा इसको, देखना से, इसको डाउन कर दिया, इसको डाउन कर दिया, तेरे को मैं ट्रेनिंग मशीन से रिवाइव कर देता हूँ, ले एक को रिवाइव कर दिया, देख दूसरे को, अब भाई 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 पीछे बंदा आ गया, अरे कोई बोल ना यार,
पीछे बंदा है, आके मेरे को मार देता है। ले गेंद फेंक रहा है, उसे बचना पड़ेगा। डाउन कर दिया यहाँ पर। मेरे सामने कोई आ जा, मेरे सामने कोई आ जा, तुम दोनों ऊपर से मेरे सामने कूद जा। हाँ इधर एनिमी है, लूट भी है बहुत ज़्यादा। दो दो बंदे को यहाँ पर खत्म कर दिया, और एक इसको भी मार दिया हेड। यहाँ पर आ जा, बहुत सारा लूट मिल जाएगा। चुपचाप यहाँ पर खड़ा हो जा, हिलना मत। मैं बंदा एक डाउन कर दिया, हिलना मत यहाँ से, नॉक मत होना। लास्ट चार एनिमी है, बुइया चाहिए ठीक है। 2 vs 4 हो जाएगा, अगर चार बंदे भी एक साथ है ना तो बुइया हो जाएगा। यहाँ पर चार बंदे एक साथ नहीं है, एक तो डाउन है। चल लास्ट एनिमी, तू लेफ्ट साइड से जा, मैं राइट से घूम रहा हूँ। तेरी साइड में जा रहा है, तेरी साइड में जा रहा है। देख थोड़ा सा डैमेज दिया है, 48 का हेड है, तेरी साइड जा रहा है। नॉक मत होना, थोड़ा सा डैमेज देना, मैं पीछे से मार दूँगा। अरे तेरे को बोला था डैमेज देने के लिए, क्या खेल रहा है। देख तो भी डाउन हो गया, तो मारना पड़ेगा कुछ भी करके। वेट वेट वेट, मार देता हूँ। देखो सो गाइस, ये था पोको X5 5G स्मार्टफोन का फुल मैप मैच और क्लैश स्क्वाड मैच का गेमप्ले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर। गाइस गेमप्ले की बात करें तो मेरे को तो अभी तक थोड़ा सा भी लैगिंग या हीटिंग इशू इसके अंदर नोटिस नहीं हुआ है। भाई 3-4 क्लैश स्क्वाड मैच खेला था, उसके बाद 2 फुल मैप मैच खेला, लेकिन मेरे को हीटिंग इशू अभी तक नोटिस नहीं हुआ है। लैगिंग भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, फुल मैप मैच के अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन मेजर लैगिंग इशू इस स्मार्टफोन के अंदर मेरे को अभी तक नोटिस नहीं हुआ है। और गाइस ये स्मार्टफोन एकदम नया है, इसलिए फुल मैप मैच के अंदर हल्का फुल्का थोड़ा सा लैगिंग तो हो रहा था, लेकिन जितना दिन बीतते जाएगा, मतलब फ़ोन जितना पुराना होते जाएगा, ये लैग बढ़ सकता है। और इसका मेन रीज़न है गाइस स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट। ये चिपसेट गाइस गेमिंग के लिए नहीं है, ठीक है, फुल गेमिंग के लिए नहीं है, हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हो। स्टैंडर्ड ग्राफिक्स और गेम को खेलना, स्मूथ एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस उम्मीद है भाई का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। सो चलो आज का वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक ले गाइस बाय बाय।